Hello everyone, welcome to Abhishek Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 9 subject English, unit 2, reading C, Ashok Rathore's football Oscar. And today's video lecture we will see some important question answers. So let's start. Answer the following questions. Question 1, why do you think all the boys in both teams followed Ashok Rathore? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो दोनों टीम के जितने भी बच्चे थे, जितने भी लड़के थे, वो अशोक राठौर का अनुसरण कर रहे थे, यानी उनको फॉलो कर रहे थे, ऐसा आपको क्यों लगता है? सो आंसर, अशोक इज द ओल्डेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, ही इज यलिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू किक और पास एंड एगिंग the others on. So the boys in both teams follow his lead and take directions from him. So जो अशोक राठौर था वो उन प्लेयर्स में से सबसे बड़ा था जिनकी एज थी 23 ईयर एंड वो चिल्ला रहा था, चिल्लाते हुए वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था. येलिंग मीन्स होता है चिल्लाना. वो चिल्लाते हुए इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि कैसे फुटबॉल को किक करे, कैसे दूसरे की ओर वो पास करे. अब वो ये सारी हरकतें कर रहे थे और जिसकी वजह से अन्य जो बच्चे थे, जो दोनों टीम के जितने भी जो जूनियर जो प्लेयर्स थे, वो उनका अनुसरण कर रहे थे, उनका फॉलो कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हाउ अ पर्सन इन द लेसन रियलाइज्ड द मिस्टेक ही मेड इन हिज लाइफ एंड हाउ ही करेक्टेड इट. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस लेसन में किसी एक व्यक्ति के बारे में बताना है जिन्होंने अपनी लाइफ में एक गलती की, एक मिस्टेक की, और उसके बाद उसने उस गलती को सुधारा है. सो वो जो है लड़का है वो है अनिल चौहान और ये कहाँ का रहने वाला है? फ्रॉम नियरली अंबेडकर नगर, ड्रॉप्ड आउट आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग. ईयर्स लेटर ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ हाउस कीपर इन अ बैंक. He realized his mistake. तो जो अनिल चौहान है वो कहाँ का रहने वाला था? वो अंबेडकर नगर के पास का ही रहने वाला था और वो प्राइमरी स्कूल के कुछ सालों की पढ़ाई के बाद वो ड्रॉप आउट हो गया, यानी वो पढ़ाई छोड़ दिया. अब उसके बाद कुछ सालों बाद उसने एक जॉब की, यानी हाउसकीपर की जॉब की बैंक में, और जब जॉब की तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो पढ़ाई को छोड़ करके बहुत बड़ी गलती किया है और इसीलिए उसने कैसे भी करके फिर से वो पढ़ाई करने के लिए वापस आ गया. और इसलिए ये जो एग्ज़ाम्पल है अनिल चौहान का कि उसने अपनी लाइफ में गलती की, यानी पढ़ाई को छोड़ करके उसने गलती की और उसके बाद वो फिर से पढ़ाई करने आ गया है, इट मीन्स उसने अपनी गलती को सुधार लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्टूडेंट डू आफ्टर द ड्रॉप आउट फ्रॉम द म्यूनिसिपल स्कूल? यहाँ पे कहा जा रहा है कि म्यूनिसिपल स्कूल से ड्रॉप आउट होने वाले जो बच्चे थे, यानी छोड़ने वाले, स्कूल को छोड़ने वाले जो बच्चे थे, वो क्या करते थे, यानी स्कूल से छोड़ने के बाद, स्कूल से भागने के बाद वो जो लड़के थे वो क्या करते थे? सो आंसर, द ड्रॉप्ड आउट बॉयज यूज्ड टू हैंग आउट एट द नियरली सेजन डॉक्स, मुंबईज बिगेस्ट फिश मार्केट. हैंग आउट मीन्स होता है घूमना फिरना. तो जो लड़के थे, जो ड्रॉप आउट लड़के थे, म्यूनिसिपल स्कूल से ड्रॉप आउट होने वाले जो लड़के थे, वो सेजन डॉक्स, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा फिश मार्केट है, वहाँ ये लोग जाते थे. अब वहाँ जा कर के क्या करते थे? दे वुड स्टील और पिक अप फिश दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट्स टू सेल एंड मेक मनी ईजी. मैनी ऑफ दोज बॉयज squandered these ill-gotten profits on drink, cigarettes and gambling. अब जो लड़के थे वो क्या करते थे? स्टील मीन्स चुराना, पिकअप मीन्स उठाना. वो जो लड़के थे वो बास्केट से जो फीस रहती थी, मछलियाँ रहती थी, उन मछलियों को वो लोग चुरा लेते थे, स्टील कर लेते थे या फिर उठा लेते थे, और उठाने के बाद उन मछलियों को क्या करते थे? वो बेच देते थे. और उनमें से जो कुछ जो लड़के होते थे वो बेचने के बाद जो पैसे आते थे, जो प्रॉफिट होता था, उन प्रॉफिट का क्या करते थे? वो ड्रिंक करते थे, यानी शराब वगैरह पी लेते थे या फिर सिगरेट पीते थे
या फिर वो गैम्बलिंग करते थे, इट मीन्स वो जुआ खेलते थे। सो इस तरह से ये सारी हरकतें वो लड़के जो है करते थे, जो म्यूनिसिपल स्कूल से ड्रॉप आउट हुए जो लड़के रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड अशोक फ्रॉम द ऑस्कर ग्रुप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किन परिस्थितियों ने अशोक से ऑस्कर ग्रुप का निर्माण करवाया, ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जिसकी वजह से अशोक ने ऑस्कर का निर्माण किया। सो आंसर, व्हेन अशोक गॉट अ जॉब विथ मैजिक बस अ मुंबई एनजीओ व्हिच सेंट हिम टू द सिटीज पुअर एरिया टू मेंटर चिल्ड्रन, ही रियलाइज्ड दैट टीम स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली फुटबॉल फॉक्ड फ्रेंडशिप एंड कॉल फॉर डिसिप्लिन, इट ऑल्सो हैड ओवरऑल अ पॉजिटिव इफेक्ट इन द चिल्ड्रंस लाइफ, ही स्टार्टेड द सेम फॉर द बॉयज इन हिज नेबरहुड, ही स्टार्टेड टीचिंग फुटबॉल हुम ही न्यू इन अक्टूबर 2006 ऑन संडे ही गॉट अ बॉल एंड इन्वाइटेड किड्स टू प्ले, ही टॉट देम द इंट्रिकेसीज ऑफ द गेम, थस ही मेड हिज group and called his group Oscar, the organization for social change awareness and responsibility. जब अशोक मुंबई एनजीओ में मैजिक बस की जॉब कर रहे थे तब उन्हें भेजा जाता था, जो गरीब लोग हैं पुअर एरिया है वहाँ पे उनको भेजा जाता था ताकि जो ये जो है बच्चों को प्रोत्साहित कर सके, फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित कर सके, एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित कर सके, इट मीन्स उनको इंस्पायर करने के लिए भेजा जाता था। तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि क्यों ना मैं अपने आसपास के जो नेबरहुड जो बच्चे हैं उनको मैं एजुकेशन के लिए प्रेरित करूँ, उनको फुटबॉल के लिए मैं ट्रेनिंग दूँ, और इस तरह से उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने स्टार्ट किया। अब उन्हें जो है अक्टूबर में 2006 में संडे के दिन उन्हें एक बॉल मिला और उसने उन्होंने एक तरह से जो बच्चे हैं उनको इनवाइट किया ताकि जो बच्चे हैं वो खेले। अब लगभग 18 बच्चे जो है उस दिन आए हुए थे ताकि वो फुटबॉल सीख सके, यानी फुटबॉल की ट्रेनिंग ले सके। अब जो 18 जो बच्चे थे उनके ग्रुप को उन्होंने ऑस्कर कहा, और जिसका फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्हीं परिस्थितियों ने अशोक को ऑस्कर का निर्माण करवाया और इस तरह से ऑस्कर का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज स्कैरी, वॉट वॉज स्कैरी इन द होल एपिसोड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह भयानक था, और इस पूरे कथानक में क्या ऐसी चीज़ थी जो भयानक थी। सो आंसर, अशोक फेस्ड मेन डिफिकल्टीज अबाउट ऑस्कर एंड हिज फुटबॉल सेशंस। अशोक persuaded the dropped out students to return to school as well as to play football, but in many cases he found that a few football players failed their final exams and their parents blamed Ashok. Now football had become a distraction, they complained as if nobody in their slum had fell before. Some of the parents gathered outside his home and should abuse. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि भयानक क्या चीज़ थी, भयानक ये चीज़ थी कि अशोक जो है कई प्रॉब्लम्स को फेस किए जब उन्होंने ऑस्कर टीम के निर्माण किया। जब ऑस्कर का निर्माण हुआ तब कई सारी दिक्कतें आई, क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं वो अपने फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो गए। अब जब वो फेल हो गए तो ये ब्लेम किया गया पेरेंट्स के द्वारा कि हमारे जो बच्चे फेल हुए एग्ज़ाम्स में इनकी वजह ऑस्कर है, क्योंकि वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं और उनका ध्यान फुटबॉल की ओर बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए जो कुछ जो पेरेंट्स थे वो कंप्लेन करने के लिए आए हुए थे, और उनके घर के सामने, अशोक के घर के सामने वो गैदर हुए हुए थे आउटसाइड में, एंड देन वो गाली गलौज भी कर रहे थे। तो ये जो परिस्थिति थी वो काफ़ी भयावह थी, इसीलिए इस परिस्थिति को कहा गया है स्कैरी। एंड देन इसके बाद भी अशोक जो है वो विचलित नहीं हुए, बल्कि वो दुगने कॉन्फिडेंस से वो फिर से अपने काम पे लग गए। यानी वो चाहते थे कि जो बच्चे इस्लाम मेरे के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन की ओर आगे बढ़े, वो फुटबॉल में आगे बढ़े, और इसीलिए वो प्रयास करते रहे। इनके पिताजी भी आए हुए थे ताकि वो वार्न कर सके, क्योंकि इस तरह की जो परिस्थिति थी इन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा भी था।
और इस तरह से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.